लोकसभा और राज्यसभा में महाराष्ट्र के बारे में दिए गए वक्तव्य का कांग्रेस द्वारा पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज कांग्रेस की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर आंदोलन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस से कुछ देर तक हाथापाई भी होती रही। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। नितिन गडकरी को मोदी से अपील करनी चाहिए और महाराष्ट्र से माफी मांगे, यह कहकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल आंदोलन किया। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया था। उसी श्रृंखला में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गडकरी के घर के सामने जमकर नारेबाजी की, तो पहले ही भाजपा कार्यकर्ता नितिन गडकरी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। इस बीच जब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने खड़े हो गए तो देखा गया कि एक ही नारेबाजी और धक्का मुक्की हो रही थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पिछले 50 वर्षों में कुछ नहीं करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आंदोलन में जवाबी कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार के वक्तव्य के बाद जो है कांग्रेस जो है आक्रामक होते दिखाई दे रही है, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा इशारा दिया गया था कि भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, इनके घर के सामने आज कार्यकर्ताओं द्वारा जो है निषेध किया जाएगा घर के सामने। आज आप देख पा रहे हैं उसी प्रोटेक्ट में जो है यहाँ पे भारी मात्रा में बीजेपी के जो कार्यकर्ता जमा हुए हैं और जिस तरह से भीड़ और जिस तरह से उनका वो भी आक्रामक होते दिखाई दे रहे, एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है और पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है सुबह से। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कांग्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ता किस तरह से जो है आमने सामने आ गए। और आज अभी का जो माहौल है यहाँ पे जो है माहौल गर्मा गया और पुलिस भी भारी मात्रा में यहाँ पे तैनात की गई है। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त सुबह से ही गडकरी के घर के सामने लगाया गया है और भाजपा के कार्यकर्ता जो है आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्य, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और भाजपा के कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आमने सामने आ गए हैं और जमकर जो है नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। आप देख पा रहे हो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर जो है नारेबाजी की जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंच चुके हैं और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ ही समय है, मतलब कुछ ही समय पहले यह आंदोलन शुरू हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता आक्रामक होने के बाद जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भी जमकर नारेबाजी की गई, उसके बाद जो है CRPF जो है हरकत में आते हुए दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज नागपुर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी यांनी काँग्रेसनी जे दुष्कर्म कोरोना काळामध्ये केले त्यांच्या त्या दुष्कर्मावर त्या भरमार बोट ठेवून त्यांचे लखतर वेशीवर टांगली, त्यांचा बुरखा टाराटारा फाडला, त्याच्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांचे मानसिक स्वास्थ्य खराब झालेलं आहे आणि त्यामुळे कधी ते भाजपच्या नेत्यांच्या घरासमोर कधी भाजपच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करतात आहे। आम्ही त्यांना जशास तसे उत्तर देऊ शकतो। आज ते आमच्या नेत्यांच्या घरासमोर आले त्यामुळे आम्ही सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कुठली अनुचित घटना घडू नये म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहोत। जहाँ एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस लेकर जाते हुए हमने देखा है, जिसमें विधायक विकास ठाकरे हो या अन्य पदाधिकारी भी उसमें शामिल थे, अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस लेकर जाने के फिराक में है। हमारे साथ जो है हिरनवार जी है, क्या बताओगे सर? देखो DCP साहब बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि डिटेन करने लगा रहे, तो हमारी सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे जी बोल रहे हैं कि पहले जो केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी के साहब के घर के सामने जो निदर्शन करने वाले उनको डिटेन करो, हमारे कार्यकर्ता भी डिटेन होने तैयार है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस बीजेपी जो है, जहाँ एक तरफ बीजेपी हमें आक्रामक होते दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी अब आक्रामक होते दिखाई दे रही है। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भी जमकर जो है नारेबाजी की जा रही है। संसद में जिस तरह से पीएम मोदी जी द्वारा जो वक्तव्य किया गया था उसके बाद जो है पूरे राज्य भर में जो है कांग्रेस जो है हमें आक्रामक होते दिखाई दी है और उसी तर्ज पर आज जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके घर के सामने जो है आज भारी मात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन तथा प्रदर्शन करने का आह्वान किया था और उसी तर्ज पर आज जो है आंदोलन शुरू हुआ। भाजपा कार्यकर्ता के बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रमित है। नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्राच्या व्यक्ती जे वक्तव्य केलं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। कोणत्याही पंतप्रधानांनी कोणत्या राज्याविषयी वक्तव्य करणं
अशी दुर्दैवी घटना या देशात घडलेली आहे आणि मला वाटते मोदीजींनी याची माफी मागायला पाहिजे, कारण की महाराष्ट्राची संस्कृती आहे कोणी अडचणीत सापडला त्याला मदत करणं, आणि ज्या वेळेस लॉकडाऊन लागलं होतं अशा वेळेस अडचणीत असलेल्या लोकांना काँग्रेस पक्षाने मदत केली, आणि याला जर नरेंद्र मोदी देशद्रोह म्हणत असेल तर हा गुन्हा महाराष्ट्रातील जनता वारंवार करेल। तुम्ही गडकरींच्या घराच्या समोर आला आहात, काय सुचवायचंय तुम्हाला? आम्हाला आमच्या नागपूरचे खासदार आहेत गडकरी साहेब यांना विनंती करायची आहे की आपण मोदींना सांगा की महाराष्ट्रातल्या जनतेची माफी मागा म्हणून। पण भाजपचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे उपस्थित आहेत आणि काँग्रेसनी ईट का जवाब पत्थर से देंगे अशा पद्धतीचं त्यांचं म्हणणं आहे। आता त्यांनी बॅरिकेड तोडून समोर येण्याचा प्रयत्न नाही, आमच्या हातात सुद्धा काही बांगडा नाही आहे, त्यांनी जर ईट का जवाब पत्थर से दिला तर आम्ही त्याच्या मोठ्या पत्थर से देऊ शकतो, परंतु आम्ही त्या मार्गाने जाणारे नाही। आम्ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला जो धक्का लावला पंतप्रधानांनी, नागपूरचे खासदार म्हणून गडकरी साहेबांनी नरेंद्र मोदींना विनंती करावी की महाराष्ट्रातल्या जनतेची माफी मागावी, यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत। अभिजित वंजारी आमदार सुद्धा इथे आहेत, काय सांगाल काँग्रेसचे कार्यकर्ते याच्या आधी? काँग्रेसने नितीन गडकरी यांच्या घरासमोर आंदोलन केलेलं आहे। तो जिस तरह से हमने देखा कि विकास ठाकरे इनका कहना है कि हम यहाँ पे सिर्फ जो है केंद्रीय मंत्री इनसे जो है हमारी जो अपील करने आए हैं। अब एक तरफ देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आक्रामक, पहले बीजेपी कार्यकर्ता आक्रामक है, उसके बाद जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे और कुछ कार्यकर्ता है उनसे जानते हैं कि आज जो है यहाँ पे कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हमारी मांगे नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और पूरे कांग्रेसियों से माफी मांगनी चाहिए, और आज देखिए हमारे मोदी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। या महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा अपमान मोदींनी केला आहे। कोरोना काळात आम्ही ज्यांची सेवा केली त्याला ते द्वेषद्रोह म्हणतात। यासाठी मोदीचा विरोध करायला सुद्धा बीजेपीचे कार्यकर्ते रस्त्यावर आलेले आहेत, तुम्हाला दिसतात आहे। काँग्रेस के जो कार्यकर्ता यहाँ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, और उनका कहना यह भी है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ये भी यहाँ पे जो जमा हुए हैं यहाँ पे वो मोदी जी का जो है यहाँ पे विरोध करने के लिए जमा हुए, ना कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रोटेक्ट में वो यहाँ पे उतरे हैं। जिस तरह अभी हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जाना कि उनका वो आज जो है यहाँ पे कौन सी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका कहना था, जिस तरह अभी हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जाना कि उनका कहना है कि आज जो है भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ मोदी जी का विरोध करने आए हैं, क्या बताओ? हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे जो नागपुर के खासदार है माननीय नामदार नितिन जी गडकरी साहब, ये नागपुर का भूषण है, ये नागपुर का पूरा विकास जिन्होंने किया है, और ये नागपुर में जो 50 साल में कांग्रेस कर नहीं सकी वो हमारे गडकरी साहब ने करके दिखाया है। आज जो ये जो नाना पटोले जो बात कर रहे हैं उनको हमने लोकसभा में उनकी जगह दिखा दी है, और ये जो जिस ढंग से यहाँ पे आंदोलन करेंगे उसको जैसा का वैसा उत्तर हम हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता देंगे, और यही प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जिस तरह से कांग्रेस के लोग यहाँ पे उपोषण करेंगे या जैसा भी आंदोलन करेंगे उसको जैसे के तैसा जवाब देने के लिए नागपुर का भारत नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। आज भारतीय जनता पार्टीचे आमचे सर्वस्व आहे नितीनजी गडकरी, आज त्यांच्या घरासमोर काँग्रेसच्या लोक आंदोलन करतात हे आम्ही होऊ देणार नाही, कारण की या नागपूरच्या विकासाची खराखुरी केला असेल तर माननीय गडकरी साहेबांनी, आणि त्यांच्या घरासमोर कोणी कार्य करेल तर आम्ही त्यांना सोडणार नाही, म्हणून आज हे आंदोलन करत आहे आणि असंच जारी राहणार। धन्यवाद।
सांसद में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य के बाद जो है महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी है और जिसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस द्वारा आंदोलन शुरू है और आज जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में जमकर जो है यहाँ पे पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि पीएम मोदी ने जो वक्तव्य किया है उसके लिए महाराष्ट्र की जनता की माफ़ी मांगे और उसी के प्रोटेक में आज जो है एक तरफ बीजेपी की कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता है। बीजेपी कार्यकर्ता आक्रामक होने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आक्रामक हुए जिसके बाद हम देख सकते हैं कि पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तो पहले से ही यहाँ लगा हुआ था पर अभी जो है सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ तैनात किए गए हैं। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे उन्होंने अपना मोर्चा संभाला है और पुलिस अपनी जो है तगड़ा बंदोबस्त तो लगा ही रखा है और सीआरपीएफ के जवानों ने भी अपना मोर्चा संभाल रखा है। अभी पल पल की खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जिस तरह से एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेसी कार्यबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ ही समय है मतलब कुछ ही समय पहले यह आंदोलन शुरू हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता आक्रामक होने के बाद जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भी जमकर नारेबाजी की गई उसके बाद जो है सीआरपीएफ जो है हरकत में आते हुए दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।